इसी बीच बड़ी खबर बागपत से, जहां पर कुख्यात अपराधी मोनू की संपत्ति कुर्क की गई है। जी हां, आपको बता दें जिलाधिकारी बागपत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कुख्यात अपराधी मोनू की 3 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें मोनू पर गैंगस्टर समेत 6 मुकदमे दर्ज है। चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गाँव में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कुख्यात अपराधी मोनू की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें बागपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोनू की 3 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। भास्कर समाचार पर एक्सक्लूसिव जानकारी, बागपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी मोनू की 3 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। जिलाधिकारी बागपत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कुख्यात अपराधी मोनू की 3 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें मोनू पर गैंगस्टर समेत 6 मुकदमे दर्ज है। चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर कुख्यात अपराधी मोनू की 3 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। थाना चांदीनगर के चमरावल गांव, ये मोनू त्यागी सनव रविदत्त त्यागी, जिनके ऊपर हत्या सहित कई गंभीर आरोप हैं और ये वर्तमान में जेल में है, और इनके मकान जो कि 80 वर्ग गज में बना हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है, इसको डीएम बागपत महोदय के आदेश अनुसार आज गैंगस्टर कार्रवाई के तहत 14-1 में कुर्क किया गया है।